आगर जिला चिकित्सालय से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई है। जहां एक और मरीज पिछले कई घंटों से ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, वहीं दूसरी ओर आरटीओ स्थित कार्यालय में ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा वाहन भी पिछले कई घंटों से खड़ा रहा, पर व्यवस्थित कम्युनिकेशन के अभाव में उसे जिला अस्पताल ही नहीं पहुँचाया जा रहा था। ऐसे में आगर के समाज सेवी अंकुश भटनागर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने पहल और संघर्ष कर यहाँ वहाँ जिला चिकित्सालय पहुँचाया। उसके बाद घंटों से इंतजार कर रहे मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाया। घटना स्थल पर मौजूद परिजनों का आरोप है कि पिछले कुछ घंटों में ऑक्सीजन की कमी से करीब 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा वाहन पहुंचने के बाद भी जिला चिकित्सालय का कोई जिम्मेदार सिलेंडर को रिसीव करने तत्काल नहीं पहुंचा। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों की जगह मरीज के परिजनों ने ही समाज सेवी अंकुश भटनागर के मार्गदर्शन में सिलेंडरों को उतारा और उसे कोविड वार्ड तक ले गए। एक बार फिर जिला चिकित्सालय आगर की गंभीर लापरवाही सामने आई है और इस तरह के गंभीर आरोप पिछले काफी समय से अस्पताल प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं, फिर भी व्यवस्था में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। टीम भारती न्यूज। सर, ये 3-4 घंटे में जब से लोग आपके पास आ रहे थे सिलेंडर के लिए, आ रहे थे जब से सिलेंडर उपलब्ध नहीं था, आपने अधिकारियों को बताया था इस बारे में? कर दी, किसको बताया था आपने? सर, हमारे मैडम आ रहे, मैडम उनको फोन लगाया था। क्या नाम आ रहा है मैडम का? अरे इधर क्यों, मैडम का नाम क्या? मालती मैडम। मालती मैडम को फोन लगाया था जी कि वो सिलेंडर की आवश्यकता था, उन्होंने भरवा रही गाड़ी आ रही है। फिर उनको फोन लगाने के कितनी देर बाद गाड़ी है? 1-1.5 घंटे बाद। जब तक आप मतलब 2-2.5 घंटे तक आपने फ़ोन नहीं लगाया और 1.5 घंटे बाद गाड़ी आई, 2.5 घंटे तक आपने फ़ोन नहीं लगाया अधिकारियों को कि यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है? जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी जब मैंने फ़ोन लगाया, गाड़ी की जरूरत है, जब नहीं अब भरवा रहा है गाड़ी, यहाँ से खाली सिलेंडर जा रहा है, खाली होंगे अब यहाँ से भराएंगे खाली वापस, हमारे लड़के निकालेंगे फिर जाएंगे वहाँ पर, फिर भरा के आएंगे। क्या किशोर नील, क्या पता आपको, क्या पता आपको देने के टन सर सिलेंडर को लेकर कुछ इश्यू हुआ है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, सुबह से लोग परेशान हो रहे थे हॉस्पिटल में, विधायक जी भी आए थे, विधायक जी ने बोला कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी थी। मैं आरटीओ ऑफिस गया, जहां देखा कि गाड़ी सुबह से खड़ी हुई थी और कोई प्रशासन का तालमेल नहीं था, कोई अधिकारी का तालमेल नहीं था, लोगों की जाने जा रही हैं और प्रशासन का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। जब मैं पहुँचा तो वहाँ SDM साहब और तहसीलदार साहब को बुलाया और बुलाने के बाद आपके सामने 60 सिलेंडर की गाड़ी लाया हूँ जो लोगों को मदद हो रही है, जिससे पूरा आपके सामने खुलाता है कि प्रशासन का तालमेल में कमी है, तालमेल अच्छे से करें। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आगर की जनता अच्छे से जिए, एक ऑक्सीजन के लिए आदमी को भटकना ना पड़े। आज आप सबके सामने खुलाता हुआ है कि स्टॉक में पड़ा हुआ सिलेंडर भी नहीं दे रहे। ये सिलेंडर कहाँ पर रखे हुए थे? वहाँ ये यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर RTO ऑफिस में रखे थे। सुबह से गाड़ी खड़ी थी, जब मैं पहुँचा वहाँ पर मैंने सब अधिकारी को फ़ोन लगाया तो SDM साहब ने आके तत्काल प्रभाव से इस गाड़ी को रवाना करवाया मेरे साथ में, और आज अभी तत्काल सभी लोगों को मदद मिली है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये भी निवेदन करता हूँ कि लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं आए, कोई भी मदद लगे आगर के विधायक और हम सब उनके साथ खड़े हैं, हमको बताएं, हम हर संभव मदद करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.